क्लास आपका चैप्टर 16 रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था रोल ऑफ मीडिया के बारे में, उसी में आगे आपका दिया गया है। सिंस मीडिया प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट रिमेन्स न्यूट्रल। मतलब क्योंकि मीडिया सोसाइटी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो न्यूट्रल रहे। न्यूट्रल से यहाँ मतलब ऐसा है कि किसी के एक के पक्ष में ना जाए, बीच में रहे। इट शुड वर्क फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, उसे किसके लिए काम करना चाहिए, पब्लिक के लिए, ठीक है, आम जनता के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट मीन वेलफेयर ऑफ द पीपल, पब्लिक इंटरेस्ट से मतलब है लोगों की भलाई के लिए। मीडिया शुड गिव अ बैलेंस्ड रिपोर्ट और न्यूज़, मीडिया को है वो ऐसी न्यूज़ देनी चाहिए जो सत्य पर आधारित हो। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड करना चाहिए या कुछ कम बताना चाहिए, उसको बैलेंस जितना है उतना बताना चाहिए। फॉर दिस द एडिटोरियल बोर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस हाउस दैट ओन्स द मीडिया हाउस, अदरवाइज मीडिया कवरेज विल बी बियास्ड। तो और इसके लिए जो एडिटोरियल बोर्ड है शुड बी इंडिपेंडेंट, उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। फॉर द बिजनेस हाउस दैट ओन्स मीडिया हाउस, उस बिजनेस हाउस के लिए जो मीडिया हाउस को ओन करती है, मतलब मीडिया में जो भी दिखाया जाता है उसको मैनेज करने के लिए एडिटोरियल बोर्ड्स होते हैं या बिजनेस हाउसेज होते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीडिया कवरेज विल बी बेस्ट, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मीडिया कवरेज जो है, जो हमें टीवी पे दिखाया जाता है, वो किसी एक पर आधारित हो जाएगा, ठीक है, वो बट जाएगा एक तरीके से, और किसी एक को ज़्यादा महत्व देने लगेगा और एक को कम महत्व देगा। इट विल ओनली गिव व्यू पॉइंट विच विल सर्व बिजनेस इंटरेस्ट एंड नॉट पब्लिक इंटरेस्ट। और ये जो है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है कि लोगों के जो व्यू पॉइंट है विच विल सर्व बिजनेस इंटरेस्ट, वो क्या है, वो एक तरीके से बिजनेस इंटरेस्ट के हो जाएंगे, नॉट पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अब मान लीजिए मीडिया को किसी पर्टिकुलर राजनेता या किसी के बारे में ज़्यादा छापने के लिए या ज़्यादा उसको अच्छा दिखाने के लिए किसी भी चीज़ के लिए पैसे दिए जाने लगे, तो अब वो तो मीडिया दिखाएगी कि इन्होंने ऐसा काम किया है, इतने अच्छे हैं या वो हैं, लेकिन अगर वो चीज़ सत्य नहीं है, अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं, तो इससे जो है क्या होगा, इससे जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो पब्लिक की भलाई है, वो नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल इफ़ एनी मीडिया हाउस इन अ कंट्री इज़ कंट्रोल्ड बाय पावर, अगर कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी मीडिया चैनल जो है किसी के द्वारा उस किसी पर कोई उस पर अपना हक एक तरीके से करता है, कंट्रोल्ड बाय पावर, कोई उस पर पावर रूलिंग पॉलिटिक पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो एक मीडिया हाउस पर उसका कंट्रोल है, अपना दबदबा है उसका, एंड अ जर्नलिस्ट फाइंड आउट दैट अ मिनिस्टर ऑफ सेम पार्टी इज इन्वॉल्व इन सम करप्ट एक्टिविटी, और मान लीजिए उसी मीडिया हाउस का जिस पर पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा है या उसकी चलती है वहाँ पे, उसी का ही कोई एम्प्लॉय ये पता कर लेता है कि वो जो पार्टी का एक नेता है वो करप्ट एक्टिविटीज़ में है, दिस पर्टिकुलर स्टोरी विल नॉट बी पब्लिश्ड बाय द मीडिया। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो बात है वो मीडिया पर ना दिखाई जाए। इन सच केसेस द रूलिंग पार्टी कंट्रोल द मीडिया डिसाइडेड दैट वॉट कैन बी रिवील्ड टू द पब्लिक, और अगर ऐसा होता है तो जो पार्टी कंट्रोलिंग पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो डिसाइड करती है कि पब्लिक को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं दिखाया जाए। इफ द मीडिया फेल्स टू कवर डाइवर्स व्यू पॉइंट एंड प्रोवाइड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन, इट विल अंडरमाइन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अगर मीडिया ये करने में एक तरीके से फेल हो गई, मान लीजिए उसने सभी चीज़ों को सफाई से या बिना किसी के दबाव के नहीं दिखाया, तो जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश का लोकतंत्र है, वो एक तरीके से खतरे में आ सकता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी मीन बाय बैलेंस मीडिया रिपोर्ट एंड कंपेयरिंग टू रिपोर्ट टू द सेम इंसिडेंट। अब हम पता करते हैं कि किस तरीके से कंपेयरिंग, हम दो रिपोर्ट्स को कंपेयर करेंगे और बताएंगे किस तरीके से बैलेंस्ड मीडिया या बैलेंस्ड रिपोर्ट दिखाई जाती है। तो पहली, इंडियन न्यूज़ रिपोर्ट एंटी करप्शन क्राउड हैव डिक्रीज्ड, द टीम अन्ना हैज़ लॉस्ट हिज इंटीग्रिटी, द एंटी करप्शन कैंपेन इज अनडेमोक्रेटिक, इट डज नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल। मान लीजिए एक न्यूज़ चैनल है और उस पर यह दिखाया जाता है कि एंटी करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे का जो ये जुलूस है उसमें लोगों की भीड़ कम हो गई है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है, तो एंटी करप्शन कैंपेन इज़ अनडेमोक्रेटिक, ये जो है ये लोकतांत्रिक नहीं है, इनका जो ये निकल रहा है जुलूस वगैरह, इट डज़ नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल, लोगों का इस पर कोई सपोर्ट नहीं है, द कैंपेन डिस्टेबलाइज्ड
डेली लाइफ ऑफ पीपल कि जो लोगों की आम जिंदगी है उस पर इसका काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। द यूथ ऑफ इंडिया इज़ वेस्टिंग देयर वैल्यू टाइम बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस कैंपेन। लोग जो है वो अपना समय बर्बाद करें इस तरह की कैंपेन में पार्ट लेकर। द लीडर्स ऑफ द एंटी करप्शन कैंपेन आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जो लीडर्स हैं इस एंटी करप्शन कैंपेन के, उन्हें एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड से मतलब है कि किसी पर्टिकुलर नेता के द्वारा या पार्टी के द्वारा उनको एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर आर क्रिएटिंग केओस एंड ट्रैफिक जैम ऑन द रोड। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नाउ सेकंड, रीड न्यूज़ ऑन एंटी करप्शन क्रूसेडर्स। अब दूसरी रिपोर्ट है, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय एंटी करप्शन क्रूसेड ब्रॉट दिल्ली सिटी द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। द वेटरन सोशलिस्ट अन्ना हजारे हैज़ द सपोर्ट ऑफ मिलियन ऑफ इंडियंस। अब वो नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव में दी हुई है कि जो एंटी करप्शन का जो है वो एक तरीके से उससे स्थिति सुधर रही है। हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो अन्ना हजारे के साथ जुड़ रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स आर चैंटिंग डाउन विद करप्शन एंड हेल मदर इंडिया। बहुत सारे जो पोस्टर्स हैं वो दिख रहे हैं, उन पर लिखा हुआ है कि डाउन विद करप्शन, की करप्शन को हटाओ, भारत माता की जय करके ये पोस्टर लगे हुए हैं। एवरी पर्सन स्टूड विद दिस कैंपेन इन एंटिसिपेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक सम स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द करप्शन। और इस एंटी करप्शन कैंपेन के माध्यम से लोग एक तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे हैं कि उन्हें करप्शन के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। मैनी लीडर्स थिंक दैट द कैंपेन विल रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत सारे राजनेता वगैरह ये सोचते हैं कि इसके द्वारा भारत में जो पॉवर्टी है वो बहुत कम हो सकती है। इट विल रिड्यूस द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर गरीब के बीच का जो अंतर है उसको मिटा देगा। मैनी सी अन्ना एज द न्यू अवतार ऑफ महात्मा गांधी। बहुत से लोग अन्ना को महात्मा गांधी के एक अवतार के रूप में देख रहे हैं। ये दो रिपोर्ट्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो बैलेंस्ड रिपोर्ट आप ऐसे कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या, बोथ दिस रिपोर्ट आर रिपोर्टिंग द सेम इवेंट बट विद डिफरेंट परस्पेक्टिव। ये दोनों ही रिपोर्ट है, इनमें इवेंट एक ही है, अन्ना हजारे का जो एंटी करप्शन का, उनका एंटी करप्शन कैंपेन जो है उसी के ऊपर दोनों रिपोर्ट हैं। लेकिन दोनों रिपोर्ट में जो आइडियाज़ हैं वो अलग अलग हैं, या दिखाने का तरीका है वो अलग अलग है। सच रिपोर्टेड ऑन द पार्ट ऑफ द मीडिया हेल्प्स इन टर्निंग पब्लिक ओपिनियन फेवर और अगेंस्ट इशू कंसर्न। इस तरीके की, जब मान लीजिए अगर हमें ये न्यूज़ दिखाई जा रही है तो हम ये सोचेंगे कि इसके कितने नुकसान हैं, क्या कुछ बदल रहा है, कितना बुरी बात है या क्या है। लेकिन अगर हमें ये रिपोर्ट, अब हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं न्यूज़ चैनल पर, तो हमें कितना अच्छा चल रहा है, हमें भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो हम जिस तरीके की न्यूज़ देखते हैं, हमारे जो प्रस्पेक्टिव, हमारा जो सोचने का नज़रिया, वो इसी तरीके से चेंज होता रहता है। तो चैनल पे क्या दिखाया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस्ड होना चाहिए, किसी एक के हक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग उस पर यकीन करते हैं, आम जनता जो है वो उसी पर यकीन करती है। इसलिए ना एजेंडा ऑफ मीडिया, एजेंडा इनका क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। मीडिया सेट्स द एजेंडा इन सोसाइटी। एजेंडा सेटिंग इज एबिलिटी इन द मीडिया टू इन्फ्लुएंस पीपल परस्पेक्टिव। मीडिया जो है एक तरीके से सोसाइटी में एक व्यू पॉइंट रखती है। एजेंडा से अगर आप सिंपल मतलब निकालें तो एक व्यू पॉइंट रखती है, ठीक है। एजेंडा सेटिंग इन इज़ द एबिलिटी ऑफ द मीडिया टू इन्फ्लुएंस पीपल परस्पेक्शन। ये जब एक, मान लीजिए आपके सामने एक व्यू पॉइंट जब रख दिया जाता है, एक देखने का तरीका आपके सामने रख दिया जाता है, तो उसका लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इट हैज़ पीपल टू डिसाइड विच इशू और इश्यूज आर वर्थ डिवोटिंग टाइम एंड अटेंशन टू। इससे उन्हें ये लगता है कि किस इशू पर वो ज़्यादा ध्यान दें, किस इशू पर वो कम ध्यान दें, एंड टू विच इशू मे बी अवॉइडेड, और किस इशू को वो जो है अवॉइड कर दें, बिल्कुल देखें ही ना उस तरफ। इट बेसिकली डिसाइड विच इशू आर वर्दी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कंसिडरेशन डिबेट एंड डिस्कशन। ये एक तरीके से ये डिसाइड करता है कि कौन सा एक ऐसा टॉपिक है या कौन सा इशू है जिस पर पब्लिक, लोगों का इंटरेस्ट भी हो, कंसिडरेशन भी हो उनका, और इस पर डिबेट और डिस्कशन भी हो सके। द एजेंडा सेट बाय द मीडिया इन्फ्लुएंसेस अवर लाइफ एंड शेप अवर थॉट्स। जो भी एजेंडा मीडिया के द्वारा सेट किया जाता है वो एक तरीके से हमारा जो सोचने का नज़रिया है या हमारे जीवन पर उसका अलग प्रभाव पड़ता है, और हमारे सोचने पर, थॉट्स पर भी अलग प्रभाव पड़ता है। द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इशू दैट आर प्रोमिनेंट इन मीडिया एजेंडा बिकम प्रोमिनेंट इन पब्लिक डिस्कशन। जो भी सामाजिक,
और पॉलिटिकल जो है या इकोनॉमिकल जो है राजनीतिक हुए या आर्थिक हुए या कल्चरल इश्यूज हुए, वो मीडिया के द्वारा एक तरीके से सेट किए जाते हैं। और वो जब मीडिया पर उस चीज़ को दिखाया जाता है तो लोगों के बीच में वो आम बातचीत का एक तरीके से टॉपिक बन जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपकी रीडिंग कल करवाऊँगी। एजेंडा ऑफ मीडिया आपका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब आपका ये एक इतना पेज बचा हुआ है, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आपका 17 चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बहुत बड़ा है आपका चैप्टर 17 वाला, तो आप लोग देखते रहिए टाइम से और अपना कंप्लीट कीजिए।